स्थानीय बस्ती बावाखेल के अधीन पड़ते इलाके चूना भट्टी के नजदीक मंकी कैप पहने आधा दर्जन लुटेरों ने गोली मारकर लॉटरी विक्रेता को लूट लिया। ये लुटेरे 3 बाइक्स पर सवार थे और उन्होंने लॉटरी विक्रेता के करिंदे को भी हथियार मारकर घायल कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए रमेश कुमार ने बताया कि वह बस्ती बावाखेल के अड्डे पर लॉटरी की दुकान चलाता है। गत रात्रि वह अपने बेटे हिमांशु व वर्कर प्रवीण के साथ दुकान बंद कर एक्टिवा पर घर जा रहा था। जैसे ही वे चूना भट्टी के पास पहुंचे तो वहां 3 बाइक्स पर सवार 6 नकाबपोश लुटेरों ने घेराबंदी कर उनसे हाथापाई करके नकदी से भरा थैला छीनने का प्रयास किया और जब रमेश ने उनसे विरोध जताया तो उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें से एक गोली उसकी कमर की बाईं तरफ आकर लगी, जिसके बाद लुटेरों ने उनके हाथ से नकदी भरा थैला छीन लिया और फरार हो गए। रमेश के अनुसार थैले में करीब 80,000 रुपए की नकदी थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एडीसीपी सिटी 2 अमरीक सिंह पवार ने बताया कि प्राथमिक जांच में घटनास्थल पर से गोलियों के खोल बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने घायलों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दुकान बंद करके शॉप बंद करके अपने वापस आ गए सी। अच्छा जी सर, तो थोड़ा अपन टर्न करके जितो घर वाल चाहिए सर। किथे करके होई सर? चूना पट्टी रोड दे मुंडे 5-6 मोकी है पाई हुई सी सारे को बाल बड़ा सी नाल सर ਨਾਲ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੱਪਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟੱਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸਰ, 4 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੀਤਾ ਸਰ, 2 ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਇੱਕ ਰਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲੋਟਰੀ ਦੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 10 ਵਜੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਦਾ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਪਛਾਣ ਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਚਾਬੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਚਾਬੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡਿੱਕੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਟੜ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਗਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਬਾਹਰ।